फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। संजू बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से आज स्वागत है। आज का रेसिपी है मटन करी। मटन करी की रेसिपी मैं अभी आप लोगों से बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलते है किचन में और बनाते हैं मटन करी। मटन बनाने के लिए देखिए, मैं मटन को अच्छे से धो ली। अब इसको मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट में जाएगा इसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल और एक चम्मच भर के मटन मसाला। इन सभी को मिला करके मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए रखूंगी। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है मैं प्याज काट ली। प्याज थोड़ा ज्यादा लगता है मटन में, तो 3 से 4 प्याज मैं काटी हूँ। इसको फ्लेम ऑन कर दी। कढ़ाई देखिए रख दी थी, गर्म हो गया। इसमें 4 से 5 चम्मच मैं सरसों का तेल डाली हूँ। मटन में सरसों का तेल में ही बनाती हूँ। अब इसमें जाएगा जीरा, जीरा के बाद जाएगा तेज पत्ता और 2 सूखी वाली लाल मिर्च। अब जाएगा इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को मैं हल्का ब्राउन करूंगी। प्याज ब्राउन हो गया है। अब टमाटर अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के रखी थी वो जाएगा इसमें। इसको मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को मिला दी हूँ। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मसाले में जाएगा 1 चम्मच भर के मटन मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इन सभी को मिक्स करूंगी मैं अभी। अब ढक करके इसको 4 से 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। चेक कर रही हूँ मसाला फ्राई हुआ है या नहीं। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। इसके साइड से तेल दिखने लगा। इसको ज्यादा मटन का मसाला को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें जाएगा मेरीनेट किया हुआ मटन। मटन और मसाले को देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर दी हूँ। 4 से 5 मिनट लगा, ये फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं कुकर में डालूंगी। कुकर में एक विसिल लगने के बाद इसको 5 मिनट तक सिम करके पकाऊंगी। जितना ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से उतना पानी डाल सकते हैं। देखिए मटन बन करके तैयार हो गया। मैं कुकर से इसको कढ़ाई में पलट दी हूँ। अब इसको इसके लास्ट में जाएगा धनिया पत्ता, मैं काट के रखी थी, उससे गार्निश करूंगी। सर्व करके आप लोगों से दिखा रही हूँ। मटन बन के तैयार हो गया था। देखिए मैं सर्व कर दी हूँ। देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। आप लोगों को ये मटन का रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।